भारत की संसद ने जो नया कानून पारित किया है जिसका नाम है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, क्या आपने पढ़ा है? मैंने पढ़ा है और मेरा कंक्लूजन है कि ये कानून किसानों के हक में है, उनके फायदे के लिए बना है। अब तक किसान अपनी फसल मंडी में जाकर बेचते थे, फसल को उगाना, फिर उसको मंडी तक लेके जाना, उसके बाद बेचना, ये काफ़ी कठिन कार्य था और इसमें कई रिस्क भी इन्वॉल्व थे। फार्मर मंडी के बाहर अपना प्रोड्यूस नहीं बेच सकता था, उसके पास एक ही ऑप्शन थी कि वो मंडी में बेचेगा, और मंडी में बेचने पर उसको तीन टाइप की फीस देनी पड़ती थी, एक रूरल डेवलपमेंट फंड, दूसरी मार्केट कमेटी फीस, तीसरी जो मिडिल मैन था, जो आढ़तिया था, उसका कमीशन। ये कोई 8-9% का खर्चा बनता था। अब जो नया कानून है, इस कानून में फार्मर को अपनी फसल इंडिया में कहीं भी बेचने का राइट है, उसको किसी मंडी में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करेगा। इस नए कानून में इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म क्रिएट हुए हैं फॉर ट्रेडिंग, लोग अपनी फसल को इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू ऑनलाइन बेच सकेंगे। उसका जो पैसा मिलेगा, वो पैसा जब फसल उसके खेत से उठाई जाएगी उस समय 2/3 पैसा मिलेगा, मेजर पैसा उसको फसल उठाने से पहले मिल जाएगा, और बाकी जो 1/3 पैसा है वो बाद में मिलेगा जब उसकी फसल की सर्टिफिकेशन हो जाएगी। अब किसान को मंडी में जाने के बाद पैसा मिलता है, अब किसान को अपने खेत में पैसा मिलेगा। किसान को नहीं पता अब कि उसकी फसल किस भाव में बिकेगी। नए कानून में किसान को फसल उगाने से पहले उसका रेट तय हो जाएगा, उसको पता होगा कि इस फसल का मुझे कितना पैसा मिलेगा। किसान के हक में कई सारी प्रोविज़न है। जो मेन समस्या है वो है एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट, दूसरा जो इन्वेस्टिंग कंपनीज हैं वो स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, उनकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है। किसान गरीब आदमी है, अनपढ़ है, उसकी बार्गेनिंग पावर कम है। एक जो बड़ी समस्या है वो ये है, इस समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए। वो जो नया कानून है उसने इस समस्या को सॉल्व किया है। ये कानून किसान के हक में और कंपनी के अगेंस्ट है। जो बार्गेनिंग पावर की इनइक्वालिटी थी वो इस कानून ने बराबर कर दी है। किसान को काफ़ी सारे अधिकार दिए हैं, कंपनी को वो अधिकार नहीं है। किसान अपने पैसे के लिए कंप्लेंट फाइल कर सकता है एसडीएम के पास, अगर कोई कमी है, कंपनी पैसा नहीं देती तो एसडीएम उसको पैसा भी दिलवाएगा, उसके ऊपर पेनल्टी है जो 150% है प्लस इंटरेस्ट भी दिलाएगा। अगर कम ये कोई रिकवरी सिर्फ किसान कर सकता है एसडीएम के पास प्रोसीडिंग डालकर, कंपनी ये रिकवरी नहीं कर सकती। आज किसान को लोन लेना पड़ता है, लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, फिर कर्जे माफ हो जाते हैं, इसके बावजूद भी किसान आत्महत्या करता है। अगर एग्जिस्टिंग कानून अच्छा होता तो किसान आत्महत्या क्यों करता, किसान कर्जा क्यों बनता? जो नया एक्ट है इसमें किसान को कर्जा लेने की जरूरत नहीं रहेगी। किसान कंपनी से एडवांस लेगा, कंपनी से बीज लेगा, कंपनी से सही कीमत लेगा, उसके प्रोविजंस हैं इस कानून में। जो छोटा किसान है, जो खुद टिलिंग करता है, फार्मिंग करता है, उसके अगेंस्ट कोई भी एग्रीमेंट में प्रोविज़न इनवैलिड है, कोई वैलिडिटी उस प्रोविज़न की, उसके ऊपर एग्रीमेंट बाइंडिंग नहीं है, वो इस एग्रीमेंट को चैलेंज कर सकता है। किसान, मेरा व्यू है कि ये कानून किसान के हक में, इसको पढ़ो, समझो और फिर प्रोटेस्ट करो।
ये आपके हक में कानून है, इसका प्रोटेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। थैंक यू।